कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर सेवेंटीन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें आज हम करेंगे इंडिया अ वेलफेयर स्टेट यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य है तो ये टॉपिक तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए चाहे वो सी बी में पढ़ते हों चाहे एन एस बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगर उनके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ठीक है और साथ में उन सभी बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तैयारी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं और हर एक पहलू पर जो है प्रश्न उठाते हैं क्वेश्चन करते हैं समझने की कोशिश करते हैं ठीक है लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए इवन अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ दो तो सहारण से सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन्थ टेंथ अलेवन्थ ट्वेल्थ हो चाहे वो एन बोर्ड के बच्चे हों ठीक है चाहे बी एम ए के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण से सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके के, जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों तो ये तो बात था आपके लिए लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है और नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एस यू हैव लर्न द राइटिव प्रिंसिपल एम एट वेलफेयर स्टेट द एम ऑफ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो सेम बट There is a some basic difference between two here. The difference the most important two here first of all here Directive principle are not justable. There is a first here. Directive principle are not adjustable, no constitutional provision or law binds in the government to implement this and fundamental rights are unjustable and the enforceable. Fundamental rights can be denied to any citizen. And these are protected by the Supreme Court and High Court also. That's important. They are protected by their Supreme Court and High Courts. And second, here, the principles are only an institution of direct direction for the state for a fame policy to implement them. And such so the a policy should be a step to avoid realizing the. Goals of welfare state. Fundamental rights has been to ensure by the constitution and the state is bound to be protect the right of all its citizens. And third even in the spirit of a placement in the constitution, the directory principles come after the fundamental rights here. It means that importance of fundamental rights is more than that of directory principles here. And however, it is important to appreciate the directive principle cannot be ignored even if those as it does not have the same kind of constitutional sensation as the fundamental rights here. Implementation of directive principle enhances the credibility and popularity of any government, and which and as we all know is the basis from regarding power in a democracy moreover, it is also is, uh, apparent that the aim of both the fundamental rights and directive principle is the, the same. they are not uh, contradictory and both are complementary to the each other. fundamental rights granted a political democracy and directive principles are there to be established of uh, social and economic democracy. the real strength of directive principle is a uh, drive from a uh, Gallant public opinion, the po policy which are a favor by the most citizens are usually implemented with a great enthusiasm. No government can ignore their public's interest, and each one of use it is a vicus for a public opinion. It will be good if you try to the create public opinion in a favor of implementations. ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच यू फील आर इम्पोर्टेंट आगे हमारे समक्ष आया है राज्य के नीति निर्देश तत्व तथा मूल अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व एवं मूल अधिकार जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देश तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है यानी नीति निर्देश तत्व का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और मूल अधिकारों का भी यही उद्देश्य है परंतु दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं तो इसी पे जो है हम यहाँ विचार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूलभूत जो अंतर है वो क्या है कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या उद्देश्य है और नितिन निदेश तत्व के क्या उद्देश्य हैं तो चलिए अंतरों का जो है यहाँ पर हम एनालाइज करें अगर हम बात करें प्रथम तो देखिए नीति निदेश तत्व के न्याय न्यायालय लागू नहीं कर सकता है जो नीति निर्देश तत्व को न्यायालय लागू नहीं कर सकता ये पहली महत्वपूर्ण बात है इनको कार्यावन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी वाधता नहीं है मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है और नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए माना नहीं किया जा सकता यानी नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता ये प्रावधान है और ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित भी की गई है तो ये हमारे संविधान के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो उच्च न्यायालय तथा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम इसको संरक्षित ना करें तो आपको तो पता है कि आज कोई भी चीज़ को बदल देना बहुत ही आसान हो गया है अगर हम द्वितीय की बात करें दूसरी रोल्यूशन की बात करें तो ये सिद्धांत नीति निर्माण और कार्यान्नम के लिए एक राज्य के केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं यानी कुछ ही निर्देश होते हैं जो उनको मानना होता है और इस तरह की नीतियाँ लोक कल्याणकारी राज्यों को केवल कुछ निर्देश मात्र ही देती हैं और इस तरह की नीतियाँ लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में हो सकता है क्योंकि अगर अच्छे नीतियाँ होगी अच्छा उद्देश्य होगा तो इससे जो है कल्याणकारियाँ जो नीति राज्य बनाई गई वो काफ़ी फलेगी फूलेगी कहते हैं अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं जितने भी मूल्य अधिकार हमारे हैं संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सदैव बाध्य होगा अब देखिए राज्य नागरिकों के अधिकारों के, के संरक्षण के लिए बाध्य होगा राज्य का ये अधिकार है कर्तव्य भी है कि नागरिकों को वो संरक्षित करे ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसमें दी गई है बात करें तीसरी पॉइंट की तो कहते हैं साफ है कि संविधान में निर्देश सिद्धांतों के मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है यानी देखा जाए तो संविधान में निर्देश सिद्धांतों के मूल अधिकारों के बाद जो मूल अधिकार है उसके बाद जो है निर्देशित सिद्धांतों का स्थान प्राप्त है और इसका अर्थ यह है कि अधिकार का महत्व निर्देशिक सिद्धांतों से अधिक है तो मूल अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है लेकिन इस इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देश तत्व के पीछे वैसा सर्वधानिक समर्थन नहीं है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा गया है कि नीति निर्देश तत्व के पीछे वैसा सर्वधानिक समर्थन नहीं दिया जाता है जैसा कि मूल अधिकारों के पीछे है फिर भी निदेश तत्व का अवहेलना नहीं की जा सकती है देखिए यहाँ पर यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि सर्वाधानिक समर्थन नहीं है लोगों का समर्थन इसमें नहीं मिलता है अगर ये रूल रेगुलेशन को अगर फॉलो किया जाए तो हंड्रेड परसेंट है कि भारत जो है कल्याणकारी राज्य पुण्य रूप में बन जाएगा लेकिन आप यहाँ पर ही बात समझ रहे होंगे कि पीछे जो है नीति नेतृत्व के पीछे वो ऐसा सर्वाधिक समर्थन नहीं मिला है जैसा होना चाहिए यानी कई जगहों पर जो है इसको अवहेलना की गई है और राज्य तो इसको मानते ही नहीं हैं अगर राज्य इन बातों को मानता तो हमारा देश हंड्रेड परसेंट कल्याणकारी राज्य के रूप में हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है समर्थन हमें नहीं मिला है जैसा मूल अधिकार के पीछे मिला है हमें तो ये बहुत बड़ी विडमना है और बहुत ही चिंता का विषय भी यहाँ पर बन जाता है फिर भी निर्देश तत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती है फिर भी नहीं की जा सकती है लेकिन हो रही है निर्देशक सिद्धांत के क्रियावंध से सरकार की जो है विश्वनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है अब देखिए जो राज्य निर्देशक सिद्धांत की जो सतर्कता आगे बढ़ाता है वो हंड्रेड परसेंट जो है विश्वनीयता और लोकप्रियता बढ़ती है ऐसा होने सरकार को पुण्य सत्ता पाने में मदद भी होती है क्योंकि ये रूल रेगुलेशन इतनी अच्छी है कि जो सरकार इसको फॉलो करेगा उसको हंड्रेड परसेंट है कि जनता का भी सहयोग मिलेगा लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार इन बातों को फॉलो नहीं करती है तभी देखते हो हर पाँच साल के बाद सरकार बदल जाती है कहते हैं ये सरकार दस साल चली है क्योंकि इनके उन्हें बहुत से ऐसे चीज़ लालच लोगों को दिया है जो होना नहीं चाहिए ठीक है बहुत से ऐसे अच्छे काम भी किए हैं इसका कोई दो राय नहीं है लेकिन लालच भी इन्होंने बहुत काफ़ी अधिक दिया है और लोग तो जानते हो कि लोग तो लालच के पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे उनका कुछ भी अपना अस्तित्व है नहीं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है क्योंकि अगर सरकार इन्हीं बार नीति निर्देश सिद्धांतों का अगर पालन करे तो उनको कोई ऐसे फालतू के काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि नि, निर्देशक सिद्धांत में ऐसी सारी बातें बखूबी रखी गई है जो जो है एक कल्याणकारी राज्य के लिए महत्वपूर्ण होती है साथ ही अधिकार तथा निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य एक सामान्य ही है और ये एक नहीं बल्कि पूरक भी है कहते हैं मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की मूल जो है मूर्त रूप है वही निर्देश सिद्धांत सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं अब देखिए आर्थिक और सामाजिक निर्देश सिद्धांत जो है लोकतंत्र की स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है और निर्देश सिद्धांत की असली ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती है क्योंकि अगर देखिए जनमत अगर सतर्क है तो हंड्रेड परसेंट हमारा देश जो है कल्याणकारी बन जाएगी आपने देखा ही होगा कि इलेक्शन में कई जगह शराब बांटी जाती है कभी कपड़े बांटे जाते हैं कभी कुछ बांटे जाते हैं कभी कुछ बांट जाते हैं तो असली जिनको वोट देना चाहिए जो सही है उनको वोट नहीं मिल पाता है और इससे क्या होता है हमारा जो है ताकतवर जो है जनमत नहीं मिलता है जिनको मिलना चाहिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कहते हैं ये जनता को भी ये बात समझना चाहिए कि लालचों में आके वोट देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए आप आपको के लिए जो कल्याणकारी बातें करें जो आप कल्याणकारी बनाएं, वो ही सार्थक है बाक़ी सब सार्थक है क्योंकि लालच सबसे बड़ी बुरी बुरी बला है आपने बचपन में अपने बच्चों को भी ये बात पढ़ाई थी अगर हमारे देश को अगर कहते कल्याणकारी बनाना है तो हर एक व्यक्ति को लालच को त्यागना है तभी हमारा देश कल्याणकारी राज्य बन सकता है और मैं ये भी कहता हूँ जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनको भी इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्देश सिद्धांत में जो बातें दी गई है जो बातें रखी गई है उनका वो अनुसरण करें और उस पर चलने की कोशिश करें जिससे जनता की कुछ ना कुछ भलाई हो सके अधिकांश नागरिकों द्वारा तो समर्थित नीतियाँ सामान्य बड़े ही उत्साह के साथ कार्यान्वित की जाती है कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है और हम में से प्रत्येक जनमत के वाहक हैं अच्छा होगा यदि आप ऐसे निर्देश सिद्धांतों के कार्यान्वयन के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं तो यही है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात कि सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जो जनमत तैयार करे जो कि देश कल्याण के लिए हो और उसमें जो निर्देश सिद्धांत भी सम्मिलित हो द नेक्स्ट यह इम्प्लीमेशन ऑफ़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दर इज इम्पॉर्टेंट यह इम्प्लीमेशन ऑफ़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यू में नाउ वी आर इंटरेस्टेड In wings of the better, the central and state governments have done anything to be implement this. Directive principles have you heard about their Sarva Siksha Abhiyan. There is a most important point here. They have you heard about their service Siksha Abhiyan as a massive program of the central government began to implement it in all the state of India. You may also be aware of Right to Education Act 2009. But this is not about thing, right, right to education. But this time, this rule is, is not a follow for the all sector. Passing by the Indian parliament, and these are the outcome of the effort it began. Made to of right principle, and some state like Bihar, Madhya Pradesh have a result. 50% seat of the panchayat election for a woman. And this instance uh, indicate that although there, there is no legal force behind the right principle and there is no obligation on the state to be enforce them. Yet their governments have been implementing these principles. And some of the impl implemented principles are here and we fix in you know, almost all the sphere of employment. And second, there are equal ways for equal work for uh, both men and women has been enacted and the British Gram has, has been to launch by to be a bush ruler employment there is a Mahatma Gandhi national ruler employment grantee act means Manrega and Swaran Janti Gram Swaraj Ghar Yojana are the example there is the most important example here the Raj has been given to a constitutional status the village panchayat has been set up and are functioning at the village level the 86th constitutional amendment was adopted to ensure provision for the free and compulsory education for the chil children and right to education act by pass in the 2007 to make it a fundamental right here. the next year, May many law has been passed to protect our children from exploitation a number of welfare schemes has been implemented for the poor and backward classes and also for the scheduled caste and tribes seat has been reserved for them to the parliament as the vidhan sabha several law and welfare schemes has been to the launch to be a protect women from the importations exportation is important and the next year the 42nd constitution had added to the dietary principle which ensure a protection and improvement of environment and safety guardings of the forest and wildlife. A number of programs like a Save the Tiger Project, Rhino, Elephant, etc. are began implemented in the presence of the new added directory Principle And the has been to separate it from the executive. And the next year cottage industry has been established and protected by giving tax concessions. The concessions, that's important, and our foreign policy is in the concerns with the principles of international peace and security and maintaining a just have her, her neighbor relation between to the nation and the next year, the government of India support and work for the world peace, is important in view of the world, it is clear that the government at a central, state and local level are working for the implementations of directive principle. a lot of work has been done, but still problems of poverty, unemployment, poor health and illiteracy do exist. the spirit of directive principle is, is to improve the equality of life of people. and this is a continue process and the effort of the government showing some result and there are a challenge that need a comprehensive response based on the right principles here आगे जो हमारे समक्ष आया है राज्य के नीति निर्देश तत्वों का कार्यवन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों का कार्यवन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसा नीतियाँ हैं बेशकली नी सरकार इसको नहीं मानती है लेकिन इसमें सभी चीज़ों का जो है मूलभूत प्रावधान है और इससे कल्याणकारी राज्य बनाने में काफ़ी सहयोग भी मिल सकता है और काफ़ी मदद भी हो सकता है तो सरकार को चाहिए कि वो नीति निर्देश तत्वों को जो दिए हुए हैं उनको समझे और एनालाइज करें और इसके अंतर्गत ही जो है रूल रेगुलेशन बनाए अगर ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो जर्नल सी बात है उनका जो है प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैलेगा क्योंकि राज्य के नीति निर्देश तत्व बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है तो संगत भी है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है यहाँ पर आपकी यह जानने में रुचि होगी केंद्र तथा राज्य सरकारों ने इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं क्या आपने भारत के सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक विशाल कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के विषय में सुना ही होगा देखिए सर्व शिक्षा अभियान चलाई गई थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी और आपने भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में सुना ही होगा अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी आर टी ई लेकिन आज इसका फॉलो जो है बिल्कुल खंडित हो रहा है आर टी ई एडमिशन जो प्राइवेटों में हुई है उस पर तो मैं पहले ही विचार बात कह चुका हूँ तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है लेकिन आर टी ई के रिगार्डिंग दो हज़ार नौ जो बनाई गई थी वो आज असफल है और सरकार के और प्रशासन के नीतियों के कारण और कहते हैं इसमें संसद भी अब कुछ भी नहीं कर रही है तो ये बहुत ही विषय जो है बिडमना वाली बात है इसके अंतर्गत ये था कि आठ टी ई के रिगार्डिंग जो प्राइवेट स्कूल थे उनको कुछ बच्चों को जो है फ्री में एडमिशन देना पड़ता था लेकिन देखा जाए तो आज इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है और कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि जो सॉफ्टवेयर में डालिएगा वही रिजल्ट वो निकालेगा तो यहाँ पर इसका मतलब था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाए लेकिन देखा जाए तो ये गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलने की जो एक बहुत बड़ा रास्ता खराब कर दिया गया है क्योंकि इस साल देखा जाए तो कोई भी गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन किनको हुआ है जो स्कूल के आस पास एक किलो के दायरे में थे तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है और सरकार की सबसे घटिया नीति है और इसका जो है मैं खंडन करता हूँ और ये सही नहीं है अगर समय रहते अगर आप लोग इस बात को नहीं समझे तो जर्नल सी बात है देखिएगा कि आर के रिगार्डिंग जो होगा कोई भी गरीब बच्चों का एडमिशन इसके अंतर्गत नहीं होगा होगा उनको जो एक किलो के दायरे में होंगे और एक किलो के दायरे में अगर कोई अच्छा है स्कूल है तो जर्नल सी बात है वहाँ पर कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं होती है वहाँ पर बड़े बड़े क्वार्टर ही होते हैं और लोग फर्जी जो है अपना आधार कार्ड पहचान पर बना के इसका जो है बहुत ही गलत उपयोग करेंगे मैं जो चिंता अभी व्यक्त कर रहा हूँ देखना आने वाला फ्यूचर में आप लोग भी इस बात को समर्थन कीजिएगा चलिए ये तो था विचार जो ज़रूरी था और ये आपके लिए भी जरूरी था ये सब निर्देश धान का कार्यबंध के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम ही था सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए जहाँ पर जो है सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा अधिकार अधिनियम दो बहुत से पास किए गए लेकिन देखा जाए तो ये जो है वास्तविकता में जो है अमल में नहीं लाई जा रही है और इसमें बहुत से जो है रूल रेगुलेशन बना के छेड़छाड़ की जा रही है जो सही नहीं है कुछ राज्यों जैसे बिहार मध्य प्रदेश आदि ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक सीटें जो है आरक्षित कर दी है और यह घटनाएं दर्शाती है दापित निर्देश सिद्धांत के पीछे कन कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यबंध के लिए कोई बंधन भी नहीं है जब भी सरकार द्वारा इन सिद्धांतों का कार्यावन किया जा रहा है कारण किए गए कुछ निर्देश सिद्धांत यहाँ पर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है पहली बात तो यही आता है कि राज्य के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है यानी रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है और उससे कम नहीं देने का प्रावधान है लेकिन बात है कि सरकार हर जगह थोड़ी रेगुलेशन बनाती है सरकार ने तो रेगुलेशन बना दिया कि न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है लेकिन देखा जाए अगर उन मज़दूरों से पूछा जाए क्या आपको न्यूनतम मजदूरी मिलती है तो जनरल सी बात आएगी कि नहीं तो आप पूछिएगा कि आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हो तो वह व्यक्ति ये बोलेंगे कि कानून किस बात की जब हम अपने कंप्लेन लेके कानून के पास जाएंगे तो कानून हमारी बात नहीं सुनती है कानून तो बड़े बड़े ठेकेदारों की बात सुनते हैं क्योंकि ठेकेदार जो है उनके जेब गर्म कर देते हैं तो ये जो बनाई गई रूल रेगुलेशन रोजगार के सभी न्यूनतम मही तय की जा चुकी है लेकिन इसके अंतर्गत किसी भी गरीब का जो है लाभान्तरित नहीं हुए हैं और ये बहुत बड़ी विडमना है सरकार रूल रेगुलेशन तो बना देती है लेकिन इसको जो है सख्ती से पालन नहीं करती है और नहीं ऐसे विभागों को जो है दर्शाती है तो बहुत ही दुख भरी परिस्थिति है स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन संबंधी अधिनियम बनाया जा चुका है लेकिन मैं कहता हूँ इस बात के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए वहाँ पर देखिएगा कि वही काम स्त्री कर रही है वही काम पुरुष कर रहे हैं लेकिन उनको जो है अलग 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 जो है सैलरी दी जा रही है तो उनके वेतन में इतना अंतर क्यों जब हमारा नीति निर्देश तत्व जो है सिद्धांत ने इस बात की जो है महान मनाही की गई है कि दोनों को जो है सामान्य वेतन मिलना चाहिए एक कार्य के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए तो ऐसा प्रावधान क्यों अगर आपको लगता है ये गलत है तो मैं जानता हूँ कि अगर आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए जहाँ महिला पुरुष काम कर रहे हैं और उनके वेतन के बारे में पूछिए आपका जो है सच्चाई आपके सामने आ जाएगा क्योंकि कहते हैं जब तक आप घर में रहोगे बंद रहोगे तो आपको दुनिया के बारे में नहीं पता चलेगा जब आप फील्ड में आओगे तब पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता है क्या और क्या होना चाहिए सरकार तो वहाँ बैठे बैठे रेगुलेशन बना देती है और उनके रखवाले भी उनको रखवाली करते हैं लेकिन रखवाले तो कहते हैं इंसानी तो होते हैं तभी तो आप देखते हो कि जो व्यक्ति एक लाख अगर रुपया उसको कमा रहा है लेकिन उसको पाँच साल के बाद देखिए वो एक लाख जो है अरबों रुपया के संपत्ति में बदल जाता है आखिर किन कारणों से ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर आप ही मुझे दोगे अगर आप कहते भारतवासी हो अच्छे व्यक्ति हो तो मुझे कमेंट अवश्य करना कि आखिर कैसे इनका जो होता है एक लाख के सैलरी भी इनको करोड़ों के संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा मरे, तो आपने सुना ही होगा जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है जॉब देने का प्रावधान किया गया है चाहे वो इक्कीस दिन का हो चाहे बीस दिन का लेकिन देने का प्रावधान किया है अच्छी बात है क्योंकि इससे लोग कम से कम बीस दिन तो बेरोजगार तो नहीं बैठेंगे ना कुछ ना कुछ काम अवश्य कर लेंगे कहते ना कुछ मिलने से अच्छा कुछ मिल जाना ही बेहतर होता है और एक और प्रोग्राम बनाई गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ उदाहरण हो सकता है उसके पश्चात है पंचायती राज्य के सर्वधानिक दर्जा दिया गया है यानी पंचायती राज्य को सर्वधानिक दर्जा दिया गया है तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत का गठन भी किया जा चुका है तथा तो ये ग्राम स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज्य का सर्वधानिक दर्जा दिया गया है और जो है ग्राम पंचायत का गठन भी किया जा चुका है तथा ये ग्राम स्तर पर जो है कार्य भी कर रहे हैं बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो वा संविधान संशोधन किया गया था और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया अब देखिए सरकार ने 2009 में इसको जो मूल अधिकार बनाया गया लेकिन आज प्रशासन जो है इसके साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा है कहते हैं आज बच्चों का किस्मत जो है लॉटरी ड्रॉ नहीं कर रही है आज कंप्यूटर कर रही है और आपको पता ही है कंप्यूटर जो ऐड करोगे वही दर्शाता है तो इसमें कंप्यूटर का सहारा नहीं लेना चाहिए कहते हैं अगर आप किसी बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देना चाहते हो और अच्छे स्कूल में देना चाहते हो तो कहते हैं उनकी कि किस्मत को भरोसे छोड़ दो ना कि कंप्यूटर के भरोसे छोड़ो चलिए ये तो सरकार को सोचने वाली बात है कहते हैं बच्चों शोषण के जो है मुक्त दिलाने के लिए अनेक कानून का निर्माण भी किया गया है यानी बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से कानून निर्माण किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है आज देखिएगा बच्चे का शोषण हर एक क्षेत्र में हो रहा है हर एक जगह पर हो रहा है इवन कि कहते हैं जो कानून के रखवाले होते हैं उनके नाक के नीचे हो रहा है अगर आप देखिएगा कि जहाँ पर कोई पुलिस चौकी है कहीं भी है वहाँ पर कोई चाय वाला बंदा बैठता होगा तो वहाँ पर बच्चे चाय लेके उनके जो है ऑफिस में पहुँचते होंगे तो सोचिए बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं जहाँ कानून के पास ये सब हो रहा हो तो आप देखने वाला दूसरा कौन व्यक्ति होगा जो कंप्लेंट करेगा सोचने वाली बात है विचार करने वाली बात है क्योंकि आज ये आम बात है और ये देखने को आपको हर क्षेत्र में बेखूबी मिल जाएगा तो ये काफ़ी गलत है और सही कभी हो नहीं सकता इतना मुझे विश्वास है क्योंकि कानून कभी भी इस पर शक्ति बरत नहीं सकता कहते हैं कानून तो बन रूल बना बनाती है लेकिन उसका पालन जो है लोगों को स्वयं ही करना पड़ता है जब तक तो लोग स्वयं ही इसका पालन नहीं करेंगे सरकार क्या कर लेगी दूसरी बात आती है गरीब पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजना कार्यवंध किए गए हैं संसद तथा विधानसभाओं में उनके लिए सीट भी आरक्षित की गई है चलिए कहते हैं आज हम आधुनिक युग में हो आ चुके हैं लेकिन हम फिर भी पिछड़े हुए वर्गों की तरह बातें कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आज तो देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति और जो ट्राइब क्लास के लोग हैं वो तो अब जंगलों में रहते ही नहीं हैं क्योंकि वो जंगल तो अब उन्होंने बर्बाद कर दिया इंसानों ने बड़े बड़े ठेकेदारों ने तो जंगल बर्बाद कर दिया फिर ट्राइब क्लास कैसे कहलाएंगे वो आप तो ये शहरों में रह के हाई फाई व्यक्ति बन चुके हैं तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि अब हम आधुनिकता की बात करते हैं ठीक है मेकअप इंडिया आधुनिकता की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कहते कुछ अच्छे अपने भलाई के लिए जो है आज जनजाति अनुसूचित पिछड़ी जाति की बात हम क्यों कर रहे हैं हम तो आगे बढ़ चुके हैं ना बहुत अमोडलाइज हो चुके हैं आज तो देखिए भारत डिजिटल की दुनिया में आ चुका है अगर मान लीजिए डिजिटल दुनिया में अगर ऐसी हम बातें करेंगे तो हम डिजिटलाइज कहाँ गए हम तो पुराने बातों को पकड़ रखे हैं जैसे बंदरिया जो होती है मरे हुए बच्चों को लेके बैठी पड़ी रहती है तो वैसे ही इंसानों का ही हाल है हम पुराने रीति रिवाज को अप, अपनाए बिना रह नहीं सकते जब आप कह रहे हो भारत मोडलाइज हो चुका है आगे बढ़ चुका है तो ये क्यों भेदभाव हो रहा है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित ट्वेल्व क्लासे क्यों हैं कहते सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए आज सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं सारे एक जैसे आगे बढ़ते हैं लेकिन जो यहाँ पर जिनके पास कोटा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास कोटा नहीं होता है वो बेचारे पीछे बढ़ जाते हैं क्या पता जो जिनके पास कोटा ना हो वो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट हो और देश का भविष्य भी वो आगे बन सकते हैं लेकिन उनको न, मौका ना मिलने के कारण वो पिछड़ जाते हैं तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका मुझे एक एग्ज़ाम्पल मिला था जब ट्वेल्व क्लास के चैप्टर में जब मैं गावस्कर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहा था तो गावस्कर जी ने भी ये बात बोला था जो क्रिकेटर थे सुनील गावस्कर जी उन्होंने कहा भी था कि जब उनके बचपन में जब उनको एक फिशरमैन मैन के साथ एक्सचेंज हो गए थे तो उनका ज़िंदगी ही बदल जाना था लेकिन उनके चाचा ने जो है उनको जीवन को बचा लिया तो जनरल सी बात है अगर जिन बच्चों को जैसा मौका मिलेगा वैसा ही आगे बढ़ेगा और मान लीजिए वो मछुआरे के पास चले जाते तो मछुआरा ही बनते इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं बनते और जो मछुआरा का बच्चा होता है इनके पास आते तो ये क्रिकेटर बन जाते तो वही बात है जिनको जैसा मौका मिलेगा वैसा ही आगे बढ़ेगा आप देखिए जो अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको अगर आप मौका नहीं दीजिएगा और जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग होते उनको अगर जो पढ़ने लिखने में भी, भी तेज़ ना हो अनपढ़ किस्म के हो उनके परसेंटेज भी कम हो अगर उन बच्चों को आगे अगर बढ़ा रहे हो तो जनरल सी बात है देश का भविष्य का क्या होगा ये सोचने वाली बात है समझने वाली बात है और विचार करने वाली बात है तो आज आधुनिक युग में जो है सीटों की आरक्षित करना मुझे नहीं लगता है, सही है लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हो क्या सही है क्या गलत है उस बात का आप स्वयं ही अपने विवेक से फैसला लो आगे महिलाओं से मुक्त करने हेतु अनेक कानून बनाए हैं तथा कल्याणकारी योजनाएं शुरू भी की गई है अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के शोषण के मुक्त करने के लिए बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है भारत में देखा जाए तो हर जगह शोषण हो रहा है इवन कि कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था मणिपुर का वहाँ पर जो हालत हुई वो सही नहीं थी तो क्या इसमें बात रह गई कहते महिलाओं का शोषण तो हर एक क्षेत्र में हो रहा है और बड़े बड़े लोगों के सामने हो रहा है और बड़े बड़े लोग तो मज़े ले रहे हैं तो क्या महिलाओं का शोषण कहते हैं घरों में तो होता ही होता है इवन कि पूरे दुनिया के सामने शोषण होना हमारे देश के गौरव का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और कहते हैं बड़े बड़े नेता देखिए क्या कमेंट मार रहे होते हैं इसका संज्ञान नहीं ले रहे कि क्यों हुआ लिए हुआ कौन इसका दोषी है मैंने देखने को मिला कि एक व्यक्ति को पकड़ लिया वहाँ पर न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर आठ सौ से लेकर हज़ार व्यक्तियों ने जो उसका शोषण किया और गिरफ्तार क्या हुआ एक हुआ उस औरत के साथ ना कितने लोगों ने बलात्कार किया और गिरफ्तार कौन हुआ है? एक हुआ अब ये क्या नीति है और देखिए बड़े बड़े मंत्रियों जी के कमेंट सुनिए कितने अच्छे अच्छे बातें बताते हैं कितने अच्छे अच्छे बातें बोल रहे होते हैं इस एक दूसरे सरकार को नीचा दिखा रहे होते हैं सिर्फ जिनका जिनकी बर्बाद हो गया उनके पर कोई चिंता उनको नहीं है आखिर क्यों हुआ सर कहते पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे हुआ है सारी घटनाएं इस बात का उनका कोई भी दुख नहीं है लेकिन दुख किस बात का है कि दूसरे पार्टी ने ये किया दूसरे पार्टी ने वो किया इन बातों का उनको टेंशन है तो सोचिए महिलाओं का शोषण तो कहते हैं ना कभी नहीं रुकेगा जैसे लोगों की विचारधारा है और जैसे पॉलिटिकल की विचारधारा है कभी हो, हो ही नहीं सकता मुक्त कहाँ से मुक्ति होगा उस शोषण के विरुद्ध वो तो कहते हैं बड़े बड़े लोग ही उनके शोषण कर रहे हैं कहते हैं अगर आगे देखें तो बायसलाब संविधान शोषण द्वारा एक नया नीति निर्देश तत्व जोड़ा गया है और यह नीति निर्देश तत्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए निर्देशित देता है और इसे संबंधित अनेक कार्यक्रम जैसे टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट राइनो हाथी आदि संबंधित कार्यक्रम को कार्यवंत्र किया जा रहा है और न्यायपालिका को कार्यपालिका का अलग कर दिया गया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें वन्य जीवन को भी संरक्षित करना चाहिए और वन्य जीवन को संरक्षित करना है तो सबसे पहले तो हमें पर्यावरण को संरक्षित करना पड़ेगा जो पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उन पर सरकार को बैन लगाना पड़ेगा लेकिन मैं देखता हूं कि आजकल तो कहीं भी चले जाए पेड़ पौधे ऐसे कट गए हैं जैसा उसका कोई महत्व ही नहीं था तभी तो आप देखिए जहां पर रेन नहीं होना चाहिए वहां रेन हो रहा है और जहां गर्मी पड़ना चाहिए वहां गर्मी सर्दी पड़ रही है तो मौसम ने अपने आप को ही बदल दिया है और उन्होंने चेतावनी मौसम ने दे दिया है कि जितना पर्यावरण को आपने नष्ट किया है इसका जो है खमामा आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली जो है देश की राजधानी है उसने भी ये साल पूरी महसूस कर लिया कि उनका भी हा दुर्दशा कैसी हो सकती है कहते हैं वहाँ पर तो इतने पानी भर गया जिसका कोई यथात नहीं था तो कारण क्या है आपने पर्यावरण को तो ऐसे नष्ट कर दिया जिसका कोई महत्व नहीं था तो पर्यावरण कभी भी जो है अपने ऊपर नहीं लेती है जैसा करोगे वैसा ही वो पलट के देगी तो पर्यावरण का भाई यही रूल है आप किसी चीज़ को नष्ट करोगे तो वो भी आपको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा तो पर्यावरण तो कहते हैं नेचर है और नेचर को से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है तथा तो कर में छूट देकर उन्हें संरक्षण भी दिया जा रहा है जो कि जरूरी है लघु उद्योग का विकसित करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हमारी देश नीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों का साथ सामंजस्य है तथा रा, राज्यों के मध्य न्याय संगत और जो है सम्मान पूर्ण संबंध बनाए जा रहे हैं तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है उसके पश्चात है भारत सरकार सरकार जो है विश्व शांति का समर्थन करता तथा इसके लिए प्रतिबंधित भी है यानी भारतीय सरकार विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है जो कि काफ़ी अच्छा विचारधारा है यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इन निर्देश सिद्धांत का कार्यबंध किया जा रहा है और इस दिशा में बहुत कार्य किया जा चुका है परंतु तो अभी भी गरीबी बेरोजगारी स्वास्थ्य समस्या और आदि जैसी समस्या बरकरार है क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव आज भी नहीं आया है निर्देशित सिद्धांत के मूल्य भावनाओं जो है भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा तो सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी आ रहे हैं और ऐसी कई चुनौतियां जिन्हें सुलझाना आवश्यक है दोस्तों कहा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है नीति नीति सिद्धांत लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसका जो है सही से जो है शुद्ध नहीं ले रहा है ना तो इस पर रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बना रहा है तभी जो है हमारे समाज में वो सारे चीज़ें अब भी उसी तौर से बनी हुई है जैसे पहले थी अब देखिए अमेरिका भी गुलाम बना था और अमेरिका देखिए आज पावरफुल बन गया कहते हैं ऐसे बहुत से देश हैं जो गुलाम बने और गुलाम के बाद आज़ादी भी हुई और वो कुछ ही सालों में डेवलपमेंट कर गए लेकिन भारत देखिए कहते पचहत्तर साल से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी भी गरीबी बेरोजगारी स्वास्थ्य की समस्या छक्ता बनी हुई है तो इसका कारण क्या हो सकता है कहीं ये तो नहीं है जितने सारे राजनीतिक नेता हैं और उन्हीं के जो चक्रों में ये हमारा देश पिस रहा है तो हो भी सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये बात आम है और देखिए जितने भी देश हैं वहाँ पर दो सदनीय सरकार है और वहाँ पर अच्छा खासा प्रावधान भी बनाई गई है और वहाँ जो है विकसित भी हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कदम वो लोग उठाते हैं बहुत ही सोच समझ के और वहाँ के संविधान आपने पढ़ा भी होगा अमेरिका के संविधान जो है एक घंटा में आप पढ़ सकते हो और भारत संविधान पढ़ने में आपको कई दिन लग सकते हैं तो देखिए विकसित देशों में रूल एवले नहीं इतनी जल्दी चेंज होती है और होती है तो उसको बहुत ही कड़ाई के साथ पालन करना पड़ता है अब हमारे देश में ये भी बिड़मना है कि कोई व्यक्ति गलत कर जाते हैं और वो जो है पैसे दे के घूस देख के बड़े बड़े नेताओं के अंतर्गत छूट जाते हैं तो इन्हीं कारणों के कारण जो है देश जो है बहुत ही जो है बुरे कंडीशन में आ गया है तो ये बहुत सोचने वाली बात है बहुत विचार करने वाली बात है इन चीज़ों की कि भारत को कैसे सशक्त बनाया जाए और भारत सशक्त तब बनेगा जब नागरिक समझदार होंगे जब भी वो वोटिंग करने जाते हैं जब भी किसी को वोट देते हैं तो सबसे पहले उनको लालच को त्यागना चाहिए लालच में बिल्कुल ही उनका जो है मन नहीं होना चाहिए जो लालच दे रहा है उनको खाड़ फेंकीिए किसी चीज़ का लाल देते हैं दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना बिना मेहनत परिश्रम का कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता अगर बिना परिश्रम का प्राप्त करना चाहोगे तो वो आपके लिए ही ख़तरनाक बन जाएगा क्योंकि सरकार कोई चीज़ फ्री करती है तो इसका मतलब है दूसरे चीज़ों पर वो चीज़ पैसे चढ़ा देती है तब जाकर आपको फ्री करती है कहीं ना कहीं वो सूल लेती है आपसे तो फ्री करने का कोई यहाँ अर्थात नहीं है कोई चीज़ का अगर आप सेवन करते हो तो उसका जो है पैसे का भुगतान भी आपको करना ही पड़ेगा तो जनरल सी बात है दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलता है ठीक है आप सोचिएगा कि हवा फ्री है तो आपको हवा भी फ्री में नहीं मिलता हवा भी कहता है कि पेड़ पौधे लगाओ अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो हवा शुद्ध नहीं होगा सूर्य के प्रकाश भी आपको फ्री में मिलता है लेकिन वो भी फ्री नहीं दे रहा है को कह रहा है कि प्रदूषण आप मत कीजिए देखिए प्रदूषण कर दिए हो तो वो भी गुस्सा हो गया और कई जगह पे जो है जो है पर्यावरण विगरानी जो है पृथ्वी पे पहुंच रही है तो कहते हैं कोई भी हमें कुछ देती नहीं है कुछ देता है तो कुछ हमसे लेता भी है कुछ मांगता भी है कुछ रिस्पेक्ट भी करता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है इसी त्रिपाण सेंटर, सेंटर आपको जो है तरह तरह के वीडियो बनाता है आपके हेल्प करने की कोशिश करता है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है क्योंकि कहते हैं ना कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा ये दुनिया का नीति है और यही नीति का आप लोग अनुसरण नहीं करते हो जिसके वजह से जो है इतनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी जो है ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था हमने नीति निर्देश सिद्धांतों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात किया और जाना भी ये बात कि अगर सरकार इसको भली भांति उपयोग करे और इसका नियमों का जो है पालन करे तो वो जो है कल्याणकारी राज्य बन बन सकती है और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहा ठीक है अगर आपको ये बात सब अच्छा लगा समझ में आया तो, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है ठीक है और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना मोबाइल में सेव कीजिए क्योंकि आप जब तक मोबाइल में सेव नहीं कीजिएगा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा और कई वीडियो से आप अनवियुक्त तो रह जाइएगा इसे सोचिए नहीं कहते हैं जो सही है वो सही है और सही यही है कि तिरपान सिलेंडर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और सेव करने के कर लिए कुछ नहीं करना है आपको जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान एक्सप्री सेंटर के साथ जुड़ जाइए